हेलो स्टूडेंट, मैं गुरदर्शन सिंह फ्रॉम हाईटेक ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट एकेडमी खन्ना पंजाब। तो यहाँ जैसे कि आपको पता है सब मैकेनिकल की क्लासेस चल रही हैं, तो यहाँ आज हम तो करवा रहे हैं मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को ब्रेक सिस्टम। तो ब्रेक सिस्टम मैंने वहाँ पे पढ़ाया और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे गाड़ी हमारे दूसरे बैच के स्टूडेंट्स ने खोली हुई है जो इंजन ओवरहॉल कर रहे हैं। तो वो बैच सीनियर बैच आगे चल रहा है, ये लोग पीछे चल रहे हैं। तो अभी ये इनका ब्रेक का काम चल रहा है। तो ब्रेक में इन्हों को पढ़ाने के बाद मैं प्रैक्टिकली दिखाने के लिए आया हूँ। फिर इसके बाद हम लोग बाद में सारी ब्रेक्स खोलेंगे भी और प्रैक्टिकल काम करेंगे भी, ठीक है जी। स्टूडेंट्स तो देखिए, ये है हाइड्रोलिक ब्रेक। इस ब्रेक को कहते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज होता है जो प्रेशर बनाने के लिए ब्रेक का। तो उसमें क्या होता है, एक फ्लूइड टैंक होता है और उसमें मास्टर सिलेंडर होता है। मास्टर सेंटर के साथ में सर्वा लगा है जो कि वैक्यूम की सहायता से प्रेशर जो हमारा पड़ता है ब्रेक मास्टर सेंटर पे उसको ज़्यादा करता है। यानी कि ब्रेक पे हमारे पैर का प्रेशर कम लगता है और वैक्यूम का प्रेशर भी साथ में लगता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फ्लूइड है, एक मास्टर सिलेंडर है, एक सर्वा है। तो जैसे हम उधर से ब्रेक दबाते हैं तो हमारा मास्टर सिलेंडर में जो पिस्टन है वो पुश होता है और प्रेशर बनाता है। तो वो प्रेशर इधर प्रेशर रेगुलेटर वाल्व में जाता है और वो वाल्व से दो पाइपें इन हो रही हैं और चारों चक्कों में आउट हो रही हैं। तो ये हाइड्रोलिक प्रेशर जो है ये ही आगे जाके सारे व्हील्स में ब्रेक लगाता है। ब्रेक चाहे डिस्क हो चाहे वो हो शू टाइप। सर ये क्या एबीएस वाली ब्रेक? नहीं, ये एबीएस वाली ब्रेक नहीं है। एबीएस वाली ब्रेक मैं इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा। हम लोग पहले नॉर्मल जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो देख लेते हैं, इसको समझ लो, अच्छी तरह से बिठा लो और इसके बाद हम लोग दोबारा क्लासरूम में जाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग एबीएस ब्रेक पढ़ेंगे। तो इसमें आप सर दिखाइए इधर, अगर पास में से ब्रेक हम लोग देख सकते। तो इसमें हम लोग ब्रेक में देख रहे हैं, ये आगे वाली जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है वो डिस्क टाइप होती है हमारी कारों की। तो डिस्क टाइप में क्या होता है, जैसे कि उधर हमने देखा कंट्रोल वाल्व से जो है प्रेशर इधर आता है और इधर आने के बाद जो हाइड्रोलिक प्रेशर है वो इस ब्रेक कैलिपर में चला जाता है। तो ब्रेक कैलिपर के पीछे प्रेशर क्रिएट होता है और पुश पिस्टन को पुश करता है। तो उस पिस्टन के पुश होने से ये कैलिपर जो है ये इस तरह से डिस्क को रोक लेता है। ये जो डिस्क घूम रही होती है इसको रोक लेता है। तो इस तरह ये डिस्क ब्रेक में काम करता है हाइड्रोलिक प्रेशर और ब्रेक शू टाइप में अलग तरीके से काम करता है। तो आइए अभी हम लोग दूसरा ब्रेक देख लेते हैं। दूसरा ब्रेक जो है उसको बोलते हैं शू टाइप ब्रेक, जिसमें एक ब्रेक शू होता है फिर ब्रेक ड्रम होता है। तो ब्रेक शू खुलते हैं और ड्रम जो है रुकता है, तो ड्रम के साथ चक्का लगा रहता है वो रुक जाता है। तो इस तरह ये रियर ब्रेक का जो सिस्टम है वो दूसरा है, जो रियर ब्रेक का सिस्टम है वो दूसरा है। रियर ब्रेक में शू टाइप की ब्रेक होती है जो बाहर को खुल के काम करती है। तो अभी जो है हम लोग देख रहे हैं जिसमें ये शू है उसमें एक स्प्रिंग ऊपर आ जाता है, एक नीचे स्प्रिंग आ जाता है और एक ब्रेक एडजस्टर आ जाता है। ये ऑटोमेटिकली ब्रेक एडजस्ट करता है। तो जैसे जैसे ये आपके ब्रेक लाइनिंग घिसते रहेंगे वैसे ब्रेक जो है वो ब्रेक शू थोड़ा 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 खुलता रहेगा अपने आप। इस तरह से ये दोनों ब्रेकिंग काम करती हैं। जो आगे से हाइड्रोलिक प्रेशर आता है चारों व्हील्स में, वो दो टाइप की ब्रेकिंग हैं, आगे अलग पीछे अलग, वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आगे वाला डिस्क ड्रैप पीछे वाला शू में, जिसमें एक व्हील सिलेंडर होता है जिसके पिस्टन बाहर खुलने से ब्रेक शू बाहर खुलते हैं। ओके, थैंक यू।